स्नेहा मैम, मैं लोकेशन पे हूँ, बट रेस्टोरेंट का ना ही बोर्ड दिख रहा है, ना ही कुछ दिख रहा मैम। लुक ब्लू कलर का शर्ट पहनो। नहीं, मेरे तो रेड टी शर्ट है। हाँ, ब्लू कलर का जो शर्ट पहनो है ना। वेमेन 5 रेटिंग दे दो यार, ये भी याद रखेंगे किस रईस से बाला पड़ गया। ओह माय गॉड, वाओ, हालत खराब होगी पर्स खाने में। नेटवर्क का इशू इधर तो पहल का इनकी। थैंक यू। ओ भाई, कस्टमर ने दिए 70 रुपए की टिप भाई। अब बल्कि ऑर्डर था, बड़ा प्यार प्यार से लेके आना पड़ता है। नहीं तो यार, सेक्टर 11 11 में प्रताप विहार डोमिनोज के पास है मैम। वो तो सेक्टर 12 लगता है। पूरा मेरा है दोनों, इतना छोटा ऑर्डर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग रखे इवनिंग से भाई। टाइम रखा है 6 बज के कितने मिनट रखे भाई, टाइम रखा 6:34। जैसे कि भाई आप टाइटल थंबनेल देख के समझ चुके होंगे भाई, आज अपन जोमेटो काम कर रहे हैं। भाई जोमेटो काम अपन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि भाई आज जोमेटो दे रहा अपने को डिनर में 250 रुपये का इंसेंटिव, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात है अपने लिए। और भाई 250 रुपये का इंसेंटिव दे रहा है, और 15-20 रुपये ऑर्डर अलग से दे रहा है। स्नैक्स में दे रहा 15 रुपये ऑर्डर, और डिनर में दे रहा भाई 20 रुपये ऑर्डर, हर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा। जोमेटो में काम करने के लिए सबसे पहले अपने को भाई जिक्स बुक करनी पड़ती है, जो अपने ने ऑलरेडी कर ली थी भाई। तो अपने ने भाई 6 से 8, 8 से 10, 10 से 11 फिलहाल 3 जिक्स बुक कर ली हैं। बाकी की जिक्स का अपन देखेंगे कैसे रहेगा। तो भाई जिक्स बुक करके अपन आते हैं ऑनलाइन। और भाई ऑनलाइन के बाद भाई अपन घर ही बैठे हुए थे, क्योंकि अपन 6 बजे से लॉगिन थे, और भाई अपने पास ऑर्डर आ गया भाई। ऑर्डर भेज गया मैकडी से। मैंने भाई प्रदीप, इसको ऑर्डर को एक्सेप्ट करो और चलो पिकअप करने के लिए, क्योंकि भाई हम तो कंपनी की नज़रों में लॉगिन है ना भाई, ऑन ड्यूटी है। कंपनी जो काम देगी भाई करना पड़ेगा। भाई अपना ऑर्डर कर लिया अपने एक्सेप्ट। भाई आज की वीडियो का मेन मकसद है भाई, जो अपने नए बंदे होते हैं ना भाई, उनको कंफर्म मतलब उनको भाई थोड़ा डाउट सा रहता है भाई, पहला ऑर्डर पिकअप डिलीवर कैसे करेंगे। तो भाई उनके लिए वीडियो अपन शूट कर रहे हैं आज। तो अभी फिलहाल चलते हैं भाई सीधा फर्स्ट ऑर्डर की लोकेशन के लिए। ऑर्डर अपने आ गया, अपने एक्सेप्ट कर लिया है भाई। एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर आएगा, स्वाइप कर लेना बस। सीधा भाई अपन नेविगेशन लगा सकते हैं। नेविगेशन के लिए भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई जोमेटो ऐप के अंदर आने के बाद ऑर्डर आपका ये वाला होगा, और भाई मैप के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये इससे अपन नेविगेशन लगा लेंगे। तो आपने को भाई लोकेशन एक्यूरेट बताया, तो इसलिए अपन सीधा लोकेशन पे जा रहे हैं। बाकी चल के देखते हैं भाई रेस्टोरेंट पे कहाँ का ऑर्डर क्या सीन है। भाई लोकेशन पे आ चुके हैं, पहले करते हैं बाइक को पार्क। भाई सबसे पहले अपने को यहाँ पहुँच के करना पड़ेगा अराइव, मतलब भाई री ड्रॉप लोकेशन। और अभी देखो भाई ऑर्डर बिल्कुल रेडी रखा है, तो भाई इसे अपन अभी ओके आई एम पिकिंग नहीं करेंगे, बिकॉज कभी कभी यार ये रेस्टोरेंट ऑर्डर रेडी मार देता है लेकिन ऑर्डर रेडी होता नहीं है। बात तो सही है, तो भी चलता है रेस्टोरेंट पता करते हैं। तो भाई ये अपनी ऑर्डर आईडी है 2120, यहाँ पता करके इनको बोलना है, जो भी बंदा आएगा इनका स्टाफ उसको बोलना भाई ऑर्डर आईडी 2120 है, करा दो वो भाई। इन्होंने बैल लगा रखी है, इसे कर दो प्रेस, ताकि जो बंदा हो उसे भाई पता पड़ जाए कि बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है। इतना भाई अपन देखते हैं लोकेशन कहाँ आ रही है बंदे की, मतलब भाई कस्टमर की। तो भाई बंदा आ चुका है 2120 जोमेटो 2120। पूरा मेरा है दोनों, इतना छोटा ऑर्डर। चलो मैं मारता हूँ फिर 5 रेटिंग, ठीक है भैया। इसको अलग अलग कर दो एक साथ, क्योंकि पकड़ने में मतलब रखने में आसानी होगी ना, बैग में पूरा आने का नहीं ना एक साथ। काट दो कैंची वगैरह हो तो, फटे तो नहीं है ना ये बाबा, ये तो डर लग रहा नीचे से निकलना यार। नहीं, फ़ोन पकड़ा देना, फ़ोन दे दो, फ़ोन उठा दो बस। थैंक यू भाई, इतना बल्कि ऑर्डर मिल गया पहले कोई अपना। अब मैं चाहता तो भाई इस पर बंदा करा लेता साइन, लेकिन भाई मैंने नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा पूरा ऑर्डर। तो भाई जी अपना ऑर्डर हो चुका है पिकअप। भाई पिकअप का प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस है, रेस्टोरेंट पहुँचो, रिच ड्रॉप लोकेशन करो, और बाकी यार ऑर्डर आईडी आएगी, ऑर्डर आईडी बताओ रेस्टोरेंट के ओनर को, जो रेस्टोरेंट का स्टाफ होगा उस टाइम करंट टाइम में भाई, उनको बताओ अपनी ऑर्डर आईडी बताएंगे भाई, ऑर्डर दे देंगे वो। अगर आपको ऑर्डर पर कोई लगता डाउट था भाई के मतलब मेरा ही ऑर्डर या नहीं है, तो ऑर्डर आईडी चेक कर लो और रेस्टोरेंट के स्टाफ से कंफर्म कर लो कि भाई मेरा ही ऑर्डर है ना। तो भाई जैसे कि भाई अपना बल्कि ऑर्डर था, मतलब काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, 2 बैग थे काफ़ी भारी थे। फिर मैंने भाई मैंने बिल पर अमाउंट चेक करी, 2000+ की अमाउंट थी। फिर मुझे बाद में याद आया, जब मैंने फिर मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया, मुझे बाद में याद आया मैंने प्रदीप भाई इस ऑर्डर के लिए तो भाई कंपनी डीपी असाइन करती थी अपने पास दूसरा बंदा भी, लेकिन यार फिर मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया था, पिकअप के बाद नहीं आता भाई राइडर असाइन कराने के लिए। तो बल्कि ऑर्डर के रिगार्डिंग भाई उसमें क्या होगा, मतलब एक ही ऑर्डर को 2 बंदे लेके जाएंगे और दोनों को पैसे मिलेंगे भाई। भाई छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं, अपने से गलती होगी ये वाली, आगे से ध्यान रखेंगे। बाकी अभी चलते हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। भाई लोकेशन बता चुका है, लेकिन भाई यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कौन सा बंदे का घर है यार, क्योंकि मुझे लग रहा भाई इनका एड्रेस गलत है, नीलकंठ अपार्टमेंट। और यहाँ तो कोई दिखाने का भाई अपार्टमेंट है मेरे को। भैया एम्बुलेंस गई है,
सेक्टर 11 में है एम ब्लॉक कोई? सेक्टर 12 में तो हैगा वो, सेक्टर 12 तो वो जो डोमिनोज के सामने। हाँ, जोमेटो से ऑर्डर है आपका एक। मैम मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, बट लोकेशन तो आपकी सेक्टर 11 ए ब्लॉक में लेके आ गई मेरे को, स्मार्ट चौक के पास है। नहीं आपका जो एड्रेस है ये तो दिखा रहा है नीलकंठ अपार्टमेंट, जो लोकेशन है लोकेशन आपकी इधर सेक्टर 11 में आ रही है। अब मैं यहाँ पर आके लोकेशन ख़त्म करी तो यहाँ पर तो कॉलोनी टाइप के घर से बने हुए हैं। मैम वो तो सेक्टर 12 लगता है। नहीं मैं तो देखो आपकी लोकेशन के आसपास तक आ रहा हूँ, बट मैम जोमेटो हमको पे नहीं करती एक्स्ट्रा कुछ भी, आपका ऑर्डर भी अदर लोकेशन पर डिलीवर्ड होगा। लोकेशन गलत है इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर लिया। कोई नहीं, मैं मुझे बताइए डोमिनोज के सामने वाली गली में आना है उससे पहले वाली गली में आना है? भाई कस्टमर से बात कर ली है, मैं समझ तो इनका एड्रेस देख के पहले गया था मैंने, भाई प्रदीप इनकी लोकेशन गलत है, लेकिन भाई कंपनी का फंड आया ना कहा भाई अब तुम बंदे को फ़ोन नहीं कर पाओगे बिना लोकेशन पर पहुँचे। हम भाई लोकेशन पर पहुँचे, ड्रॉप लोकेशन करा है, अब भाई अपन जा रहे हैं डिलीवर करने को ऑर्डर अदर लोकेशन पर, क्योंकि भाई कस्टमर का एड्रेस भाई प्रॉपर वो है, लोकेशन गलत है भाई। भाई पहले ना बहुत सीन रहता था लोकेशन गलत का, लेकिन अब तो भाई बहुत कम ऑर्डरों में होता है, किसी किसी ऑर्डर में होता है, जैसे भाई अपन फंस गए किसी किसी ऑर्डर में, अपने पास ही आ गया किसी किसी का ऑर्डर वो। तो भाई इस बल्कि ऑर्डर को लेकर आ चुके हैं अपन लोकेशन पर, देखते हैं भाई किस नाम से ऑर्डर है एक बार, कि भाई कन्फर्म तो करना पड़ेगा ना। प्रियम के नाम से ऑर्डर है आपकी है, प्रियम सिंह। लोकेशन ना आपकी उधर जाइए स्मार्ट चौक के पास। मैम ये आपका एड्रेस है, लोकेशन भी तो होती है ना, आप वैसे देखिए लोकेशन जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो उस टाइम लोकेशन मेंशन करनी पड़ती है आपको, आपने वो करा नहीं होगा। अब बल्कि ऑर्डर था, बड़ा प्यार प्यार से लेके आना पड़ता है, ठीक है ना, बिल आपको उसमें लगा हुआ है। जोमेटो हमको कुछ नहीं देती फालतू, जोमेटो हमको कुछ नहीं देती एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी आने का, कोई नहीं आप जो आपको अच्छा लगे कर देना। ऑर्डर डिलीवर पे क्लिक करना है और यहाँ रेटिंग दे दो कस्टमर को, डिलीवर कर दो ऑर्डर को। ओ भाई कस्टमर ने दिए 70 रुपये की टिप भाई, अपन करेंगे इनको से थैंक्स, 170 रुपये अपने टोटल मिल गया इस ऑर्डर के। अभी अपन आते पे आउट में, भाई 47 रुपये का ऑर्डर है, 70 रुपये की टिप है अपने को, मतलब भाई अपने को फर्स्ट ऑर्डर पड़ गया 170 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट, भाई वेट नहीं करना, ऑर्डर भी आ गया भाई अपने पास, 27 रुपये का ऑर्डर 10 चाइना रोड से भाई, जो कि पिकअप लोकेशन है सिद्धार्थ बिहार की। भाई पिकअप लोकेशन है 2.5 किलोमीटर प्लस और डिलीवर लोकेशन तो 1 किलोमीटर से बहुत ही कम है, पता भाई जो कस्टमर अच्छे होते हैं ना भाई वो कहीं अदर लोकेशन में की लोकेशन गलत होती है, हम कहीं जाते हैं ना भाई वो टिप वगैरह दे देते हैं भाई, जो समझते हैं ना भाई, हम लोग भी अपना पेट्रोल फूक रहे टाइम फूक रहे हैं यार एक्स्ट्रा, समझ जाते हैं यार वो लोग भी, बाकी भी चलते हैं अपने ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। भाई कभी कभी दिक्कत होती है कि अपन रेस्टोरेंट की लोकेशन पर आते हैं लेकिन अपने को रेस्टोरेंट मिलता नहीं है, तो भाई उसके लिए भी कंपनी ने एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ये इमेज आती है भाई इस पर क्लिक करो, इमेज पर जैसे अब इमेज पर क्लिक करोगे भाई रेस्टोरेंट का नाम दिखा जाएगा, आसपास कौन सा रेस्टोरेंट वो दिख जाएगा, तो भाई कुछ इस तरह दिख जाता है अपने को। तो भाई करते हैं ड्रॉप लोकेशन, अपने को तो पता है एक्यूरेट कहाँ पर है, और अभी 6 मिनट दिखा रहा है ऑर्डर रेडी होने में। भाई इस रेस्टोरेंट पर जब भी अपना ऑर्डर आया कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्डर रेडी रखा है, तो चल के पता करते हैं क्या पता भाई बंदों को पता ही ना ऑर्डर भी है इसका। हो रहा भाई हमारा ऑर्डर, भाई जी अपना ऑर्डर हो चुका है रेडी, करते हैं पिकअप विद लॉन्ग वेट टाइम डाल देंगे भाई, काफ़ी देर में बंदे ने ऑर्डर दिया है, इधर बाइक खड़ी है वहाँ और मैं आ गया इधर, क्योंकि मैं यहाँ पे आके ना अधिकतर अपनी बाइक इधर ही खड़ी करता हूँ, लेकिन आज कर दी मैंने बाइक वहाँ खड़ी, मेरी बुद्धि ख़राब हो गई, मैंने बाइक कहाँ गई मेरी, बाइक खड़ी है वहाँ। तो भाई जी अपना ऑर्डर हो चुका है पिकअप और भाई ऑर्डर अपने पास का ही है, प्रतीक सोसाइटी सामने ही है, तो भाई सिद्धार्थ बाजार में आ गए ना यार, ऑर्डर बचते हैं बहुत छोटे छोटे तो अर्निंग अच्छी खासी हो नहीं पाती, लेकिन भाई वही वाली बात है ना, बाइक चलती है ऐसी तो भाई अर्निंग भी ऐसी होती है, फिलहाल चलते इसको ऑर्डर देने के लिए। वेलकम इनकी, थैंक यू। तो भाई करते हैं डिलीवर विद 5 रेटिंग, ये कह रहा है यू आर नॉट एट द कस्टमर लोकेशन प्लीज स्वाइप टू डिलीवर द ऑर्डर, तो पागल हो रहा है क्या यार ये। तो भाई जोमेटो की गरीबी देख लो, 20 रुपये का ऑर्डर, पिकअप लोकेशन कितनी पास में, ड्रॉप लोकेशन उससे भी कम है भाई, 7956 दाल मखनी मारता है पिकअप। ऑर्डर पिकअप करते टाइम ना अपनी ऑर्डर आईडी भी चेक कर लो ताकि भाई ऑर्डर गलत ना हो जाए, नहीं तो भाई कस्टमर कंप्लेंट डालेगा बिना बात के। जोमेटो का है किस नाम से ऑर्डर, आपका नाम से है? नहीं एड्रेस क्या है? 22 का क्रॉस टावर, नहीं एफ का नहीं, डी टावर का है। कोई नहीं भाई इनका भी ऑर्डर जोमेटो से है, पूछ रहे थे हमारा ऑर्डर तो नहीं है भाई, लेकिन इनका ऑर्डर नहीं है, नसीब बेकार है अपना। करते हैं ड्रॉप लोकेशन, भैया करने की एंट्री और लिफ्ट से बाहर निकलती फ्लैट है अपना भाई, कितनी अच्छी बात है, ऑर्डर आपका, थैंक यू। 1 आवर लेटर
टावर से बाहर निकल रही हैं और वंचू हट से आगे अपना ऑर्डर 3700 रुपये का ऑर्डर करते हैं उसको भाई एक्सेप्ट। भाई ये ऑर्डर इतनी हाई अमाउंट का है, डिपॉजिट मनी टू अवॉइड गोइंग ऑफलाइन, मेरी लिमिट कितनी है आज की देखते हैं अभी, हो जा क्लिक यार 156 रुपये दिखा रहा है। बाकी आज अभी जो अपना ऑर्डर आया है ना भाई, ये ऑर्डर अपने को सिद्धार्थ बिहार में है अपन अभी, और प्रताप बिहार से पिकअप करने आना है। ऑर्डर कहाँ का भाई ये अपने को जाके पता पड़ेगा, तो चलते हैं फिलहाल लोकेशन के लिए। लो जी भाई साहब पहुँच चुके हैं लोकेशन पे भी, पहले चेक करते हैं भाई ऑर्डर रेडी है या नहीं, तभी जाएंगे भाई अंदर ऑर्डर लेने, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है जाने का भी। भाई अंदर वेट करने से अच्छा बाहर वेट कर लें, पर खुल जाए यार, कभी कभी यार दिक्कत कर देता भाई ये। चेक करते भाई ड्रॉप लोकेशन और ऑर्डर भाई रेडी रखा है, क्या बात भाई क्या बात है। 5688 जोमेटो वेज चिली गार्लिक मंचूरियन हनी चिली मारता है पिकअप 5 रेटिंग के साथ, थैंक यू भाई। अभी ना अपना ऑर्डर हो चुका है पिकअप और भाई ऑर्डर है सिद्धार्थ बिहार का। एक थोड़ी सी दुख की बात है यार भाई, कस्टमर का ऑर्डर COD है, कस्टमर ने भाई ऑर्डर पेमेंट अगर UPI नहीं करी है भाई, तो अपने को अपने अकाउंट से करनी पड़ेगी, बिकॉज नहीं तो अपनी ID ऑफलाइन रहेगी, जो हम चाहते नहीं है। फिर भी अपने को कैश जमा करेंगे तभी अपनी ID लॉगिन होगी, तो भाई करेंगे अपने अकाउंट से देखेंगे अभी कस्टमर ने नहीं करा तो। बाकी चलते भाई डिलीवर करने से ऑर्डर को भी। लोज भाई एक्यूरेट ऑर्डर है आपका, पेमेंट UPI करो कैश, UPI कर दीजिए। बढ़िया नेट ही चल रहा, नेटवर्क का इशू इधर तो कोई नहीं आता। कस्टमर ने तो कर दिया UPI, लेकिन मेरे नंबर पे क्या है बिकॉज या नेटवर्क ही नहीं आ रहा यार। कोई दिक्कत नहीं यार, अपन अपने अकाउंट से जाकर कर देंगे नीचे आके। भाई ये जो ऑर्डर आया 2200 रुपये का ईस्ट डिलीशियस, करते हैं उसको एक्सेप्ट। भाई कंपनी हो गई पागल, 2.5 किलोमीटर पिकअप दिखा रही है और डिलीवर करना है क्या 0.29 किलोमीटर, आधी किलोमीटर भी नहीं है भाई डिलीवर लोकेशन है, मतलब यहाँ से अपन ऑर्डर पिकअप करने जा रहे हैं और वहीं आसपास ऑर्डर दे देंगे फिर वहाँ से वापस आओ अपने जोन के लिए। यार कंपनी भी यार खेल कर रही है अपने साथ में यार। भाई अब ऑर्डर आया तो भाई करना पड़ेगा, चलते फिलहाल यार रेस्टोरेंट के लिए। रेस्टोरेंट भाई पता नहीं अपने कहाँ है कहाँ नहीं है, बहरामपुर में पिकअप करने जा रहे हैं ऑर्डर यार। भाई रेस्टोरेंट की लोकेशन यहाँ ख़त्म हो रही है और यही फ़ोटो आ रही है सब कुछ। एयर फार्मा पे खड़े हैं अपन, तो ड्रॉप लोकेशन करते हैं और ऑर्डर भी रेडी रखा है। रेस्टोरेंट के एड्रेस में कुछ नहीं आ रहा और कस्टमर के एड्रेस में भाई इनके में कुछ नहीं आ रहा। भाई कैसे कस्टमर है यार, उठाओ जी फ़ोन। हेलो हाँ मैम, मैं लोकेशन पे था। हाँ मैं बालकनी से ही आपको दे रही हूँ। यहीं खड़ा हूँ मैं एयर फार्मा से। पीछे आ जाओ और जो कॉर्नर पे लाइट जल रहा है ना खंभे में, कॉर्नर पे खंबे में लाइट, जिस कट से आप एआर फार्मा के पास रहे हो ना उससे बैक हो जाओ, पहला ही बिल्डिंग है कट के पास ही। अच्छा अच्छा बालकनी से आपको दे रही हूं। हां मैं कॉल पे हूं, कंफर्म करा दो बिल्डिंग बस। हां भैया मैम, बाइक में ब्लू कलर का शर्ट पहनो। नहीं मेरे तो रेड टी-शर्ट है। हां ब्लू कलर का जो शर्ट पहनो है ना वुमेन। नहीं रेड टी-शर्ट है मेरी मैम, ब्लू नहीं है। अच्छा रेड कलर का। हां जी हां जी। हां इधर देखो, इधर अभी जो कार गई है बस ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा टॉप फ्लोर। हाँ जी हाँ जी ठीक है दे दीजिए। भाई टॉप फ्लोर से ऑर्डर आएगा अपने पास। भाई अपने को ऐसे भी ऑर्डर लेने पड़ेंगे यार, जोमेटो भाई टाई भर दी किसी को भी, बस अपने जोमेटो को अपनी कमाई से मतलब है बस। आ जा भैया आ जा आ जा आ जा आ जा। चलो भाई मारते हैं इसको पिकअप, 5 रेटिंग दे दो यार, ये भी याद रखेंगे किस राइस से बाला पड़ गया। ओह माय गॉड वाओ। बाकी यार देना कहाँ है, कस्टमर को फ़ोन लगाऊं समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार। लो भाई कस्टमर की लोकेशन ख़त्म हो चुकी है, ड्रॉप लोकेशन। भाई ये भी ऑर्डर COD है भाई, अपनी तो ज़िंदगी ख़राब है भाई COD ऑर्डर के चक्कर में। लगाते फ़ोन उनको पूछते हैं जी कहाँ देना तुम्हारा ऑर्डर जी। हाँ जोमेटो से ऑर्डर है आपका एक। हाँ जी सत्यम अपार्टमेंट। मैम सत्यम अपार्टमेंट कौन सा है, मैंने इसके लिए मैंने फ़ोन कर लिया आपको, लोकेशन पे हूँ वैसे तो मैं। कॉर्नर पे दुकान हो ना। हाँ सीधा अंदर आ रहा है। हाँ दोनों कोने पे दुकान है परचून की, उस गली के अंदर आ गया हूँ मैं। हाँ। भाई गॉड अंकल बोल रहे हैं टॉप फ्लोर, मैंने कहा टॉप फ्लोर है कौन सा, थर्ड है फोर्थ है, कह रहे हैं भाई फोर्थ। चलो भाई प्रदीप हालत ख़राब होने वाली है अपनी, हालत ख़राब होगी पर्स के आने में।
ये लीजिए। जहाँ लिफ्ट वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर तो पास का ही है आपका रेस्टोरेंट तो, बट मैं लेकिन मैं तो सिद्धार्थ विहार से आया हूँ लेने इसको। ठीक थैंक यू ओके, रेटिंग कर देना ठीक है ना ओके। अपन यार ऑर्डर पिकअप करने आए थे दूर, बाकी यार कस्टमर का बिहेवियर था ना अपन को सुकून मिल गया। अब भाई ऐसे केस में कस्टमर यार थोड़ा मिसबिहेव से बात करते हैं, बड़ा रूडली बात करते हैं, तो भाई और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। कोई दिक्कत नहीं यार, कंपनी ने तो अपने को पैसा दिया जो भी दिया है भाई, लेकिन इतना दे दिया भाई अपने लिए भाई बहुत है। मुझे लग रहा है इसकी FD करानी पड़ेगी भाई, तभी जाकर मेरा सेव हो पाएगा ये, नहीं तो भाई ऐसे तो ऐसे तो मेरा खर्च हो जाएगा पैसा भाई सारा ये। खैर कोई दिक्कत नहीं यार, अभी चलते वापस अपने जोन की तरफ सिद्धार्थ की तरफ, क्योंकि भाई अपने को एक ऑर्डर चाहिए और अभी अपने को टाइम भी देना है। लेकिन भाई अपने हो चुके हैं 8 ऑर्डर, जिसमें कि अपने को 7 ऑर्डर पर इंसेंटिव मिल चुका है 20 रुपये पर ऑर्डर वाला, तो और भाई अपने 3 जिक्स पे 9 ऑर्डर पर 140 का इंसेंटिव था, तो मतलब भाई अपना ओवरऑल टारगेट तो अपना हो चुका है। बस अपने को अब तो भाई फॉर्मेलिटी के लिए अपना एक ऑर्डर पूरा करेंगे, या अब इसको फिर दूसरी बात होता है कि भाई जो अपनी जिक्स है वो भी इनकम्प्लीट नहीं जाएगी अपन, इसलिए अपन एक ऑर्डर कर लेंगे। नहीं तो भाई अगर अभी अपन आईडी लॉग आउट कर देंगे ना तो भाई अपना भाई जिक्स भी इनकम्प्लीट जाएगी। तो बाकी यार सही नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, जब से 6:30 बजे से यार फील्ड में है तो भाई आधे घंटे और सही, बाकी चलता है सिद्धार्थ विहार के लिए। A few moments later. भाई लास्ट ऑर्डर को देके अपन आ चुके हैं सिद्धार्थ विहार, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया अपने पास। 10:50 हो चुके हैं और भाई अपन ना बिल्कुल लाइट 51 पे ये अपनी भाई आईडी कर देंगे ऑफलाइन। देख रहे हो भाई डॉक्टर चैफ करके रेस्टोरेंट है भाई, मुझे लग ही रहा था कंपनी ने अपनी SSC करवाएगी, लास्ट मिनट पे भाई कंपनी ने अपनी SSC करवाई है। अगर मैं 50 पे करता ना इसे ऑफलाइन तो भाई मेरी जिक्स जाती इनकम्प्लीट में, जो मैं जिसके चक्कर में भाई मैं आधे घंटे से पहले से बैठा हूँ। दिमाग ख़राब कर दिया इसने यार। बस रेस्टोरेंट भाई मिल जाए ठीक ठाक, भाई रेस्टोरेंट की लोकेशन बता चुका हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट का अपना ये नहीं पता भाई। भाई अलग ही सीन हो गया अपने साथ तो यार, ये मैं यहाँ लोकेशन पे आ गया हूँ, बंदा फ़ोन उठा नहीं रहा। पहले करते हैं अपन गो ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, और भाई अब लगाते हैं TOC को फ़ोन, क्योंकि भाई लोकेशन पे हूँ लेकिन अपने को वो नहीं दिख रहा रेस्टोरेंट का है। लाइव ऑर्डर हेल्प रेस्टोरेंट डिले ऑर्डर आइटम आउट ऑफ स्टोर अनेबल टू कैरी लार्ज ऑर्डर आइटम आउट स्टोर नीड हेल्प, मैं रेस्टोरेंट डिले ऑर्डर डाल देता हूँ भाई। यहाँ बोल रहा 5 मिनट लगेंगे अभी और 5:50, टोटल टाइम 7 मिनट था। अपने ने मैसेज डाल दिया इतने भाई, कोई बंदा होता था असाइन जा रहा भाई सपोर्ट एग्जीक्यूटिव स्नेहा विल बी असाइन यू नाउ। देखो जी स्नेहा कॉल करती हैं क्या करती हैं, आगे भाई कॉल मैडम की। हेलो हाँ जी मैम प्रदीप, स्नेहा मैम मैं लोकेशन पे हूँ बट रेस्टोरेंट का ना ही बोर्ड दिख रहा है ना ही कुछ दिख रहा, और मैंने यहाँ पूछा भी एक दो बंदों से तो कह रहे भैया इस नाम से तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी मैंने पूरी मार्केट में घूम के भी देख लिया बट लोकेशन फाइंड नहीं हो रही रेस्टोरेंट की। हाँ जी मैम बिल्कुल आप कर लीजिए। A few moments later. जी लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद, लाइन पे बात कीजिएगा। हेलो हेलो भैया बाहर आइए पहले, आप गली में चले गए होंगे चंपारण के सामने है ना। भैया मैं यहीं खड़ा हूँ SS मुगलाई फ्लेवर पे, और यहाँ पे आइए मेडिकल पे मेन रोड मेडिकल पे आइए। एक मिनट रुकिए भैया, मैं भी तो फ़ोन कर रहा था आपको यार, अभी आपने फ़ोन पिक किया नहीं। भाई हमारा फ़ोन भी उठा ले करो यार, मैंने 2 बार फ़ोन किया कंटिन्यू, जब जाके जोमेटो कॉल लगाई है। अभी आपने ये नंबर आया हुआ 85860 वाला करवा लो इसे, लोकेशन पीछे जा रही है उधर, मैंने इसलिए पूरी मार्केट ढूंढ ली वाली बिल्डिंग आता है मेन उधर से है ना MSM, और ये आर्य नगर गे लगता है कोई ये तो भाई वहाँ आर्य नगर कोड गाँव तो फाटक पे इसे ठीक करवाओ। ऑर्डर सर किस दिन यार, आपको ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे ऐसा फोन, अगर आप फोन उठाते ऑर्डर कैंसिल हो जाते वाला। तो भाई अपन ने इस ऑर्डर को कर देते कैंसिल, मतलब मैं क्या भाई TOC कर देती कैंसिल,
तो बंदे का एड्रेस आ रहा भाई कोडगांव का, लोकेशन यहाँ की आ रही है और भाई वो भी लोकेशन गलत। ठीक, थैंक यू। 37 मिनट के तो आधा घंटा खराब हो गया अपने पूरे से ऑर्डर में, 33 मिनट लग के पूरे। ठीक है यार, जो भी हो गया भाई जी, अभी अपनी 256 रुपये की अर्निंग हो चुकी है जो कि अपनी ऑर्डर अर्निंग है, और भाई 160 रुपये मिला है अपने को फ्राइडे स्पेशल डिनर ऑफर, जो भाई अपने को कंपलसरी रहता है जो अपने कंपनी ने लगा रखा था। बाकी 70 रुपये का एक कस्टमर टिप दिया अपने को, तो भाई टोटल अपनी अर्निंग हो सकी है 486 की, तो कि ठीक है यार। बाकी यार जो अपने को भाई 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला है ना, उससे अपनी अर्निंग ठीक ठाक हो गई है। बाकी वैसे भी अपने को 140 का इंसेंटिव मिल जाता है, अगर वो भी नहीं मिलता तो कंपनी बड़ी चालू है यार। वैसे अपने को 100 रुपये का इंसेंटिव दे देती नो ऑर्डर पर, और आज भाई 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, तो भाई इंसेंटिव 140 कर दिया भाई। कंपनी का गेम बहुत तगड़ा गेम है भाई। बाकी भाई बाइक की बात करें, बाइक चली कितनी है, तो भाई अपनी राउंड फिगर 30 किलोमीटर बाइक प्रॉपर चली नहीं होगी, बिकॉज सारे ऑर्डर अपने लोकल के थे यार, आज कोई ऑर्डर लंबा था नहीं। अपना एक बहरामपुर का था, वो भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं था यार, 2.5 किलोमीटर के अंदर अपना सारा काम हो गया था। बाकी यार सुबह अपने भाई 3 स्लॉट कंटिन्यू अमेजोन फ्लैक्स में किए थे, अपनी 780 की अर्निंग अमेजोन फ्लैक्स में हुई थी, 486 की अपने जोमेटो में कर ली, तो भाई 3 स्लॉट अपने वहाँ किए थे। बाकी अपने 3 जिक्स यहाँ बुक करी थी अपनी, तो भाई 4-4.5 घंटे अपने यहाँ काम किया, 4.5-5 घंटे समथिंग, और 5 घंटे समथिंग अपने वहाँ काम किया था, तो भाई टोटल अपनी 1266 की अर्निंग हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। तो बाकी अपने इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना और भाई कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो भाई मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे भारत, बाय बाय।